अल्लाह कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मैं फ़िश करी रेसिपी बनाने जा रही हूँ तो यहाँ पे मैंने फ़िश को अच्छी तरह से धो लिया है दो अदद प्याज और द, द, दो अदद टमाटर ले लिया है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है तेल गर्म हो चुका है इसमें मैंने पहले सरसों को डाला है सरसों अच्छी तरह से फूट जाने के बाद हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे हमें इसमें प्याज पहले डालना था हल्का ब्राउन होने के बाद हमें इसमें मसाला ऐड करना था मगर मैं भूल गई थी तो मैंने मसाला पहले ऐड कर लिया था तो मसाला को तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे मसाला में मैंने सरसों ज़ीरा सूखा मिर्च और आम, आठ सदस्य लहसुन का कलिया लेके मैंने पिसा था अब हम इसमें एक चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है ज़ीरा मैंने मसाला में डाल के पिसा था तो इसीलिए मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर नहीं लिया है सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च पाउडर में मैंने ये सालन बनाया है तो मसाला को अच्छी तरह से कस लेंगे उसका खुशबू चला जाने के बाद फिर हम इसमें प्याज और टमाटर हमने ऐड कर लिया है प्याज को हल्का ब्राउन करके डालना था मगर मैं भूल गई थी तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को डाला है ऐसे भी मज़ा तरकारी में सलाद में मज़ा आता है तो हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे तो फिर उसके बाद हम इसमें फिश ऐड कर लेंगे ये देखें मसाला अच्छी तरह से पकने लगा भी उससे उस उससे तेल बाहर नज़र आने लगा भी तो हम इसमें अब फिश ऐड कर लेंगे इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे मैं कच्चा मच्छी पका रही हूँ आप तल के भी पका सकते हैं ऐसे भी सालन का मज़ा आता है को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले में हम कच्चा मच्छी पका रहे हैं इसीलिए हमें देख के चम्मच मारना है अब हम अब हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है और कसूरी मेथी को अच्छी तरह से हाथ में मसल के उसके ऊपर डाल देना है अब हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे सलान बनके तैयार है तैयार है आप भी इस तरह से पकाएं और बताएं कैसा थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल